फिर देखिए बन गई है यहाँ पे राखी। फ्रेंड्स देखिए मम्मी तैयारी कर रही है, अब सब बुआ आएंगे तो नाश्ते के लिए मम्मी यहाँ पे बना रही है। मम्मी क्या बन रहा है? वही साबुदाने की टिक्की, बस बड़े की शेप दे दी। देखो यहाँ पे मम्मी बना रही है, तो क्या क्या फीलिंग है इसके अंदर? बस आलू, साबुदाना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक। अच्छा तो ये शेप फूट नहीं जाती अगर तेल में डालो तो? थोड़ी फ्रिज में रखूंगी। अच्छा अगर फ्रिज में डालो तो उससे तलने पे फूटती नहीं है। मैंने देखा कितनी वीडियो में लोग ऐसे तेल में डालते हैं वो पूरा फूट के चूरा हो जाती है। फ्रिज में ही रखो ना तो। अच्छा मतलब इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट फ्रिज में रख के तलोगे तो फूटेगा नहीं ये। अच्छा अच्छा कैसी लग रही है देखने में? अच्छी लग रही है, यूनिक शेप है, जैसे होता ना डोनट खाते चॉकलेट डोनट, ऐसे साबुदाना डोनट हो गए। दिखाओ बनता कैसे है ये? थोड़ा सा घी लगाया ऐसे गोशे करके एक होल के बस बड़े की शेप दोनों साइड से छेद कर दो। और फ्रेंड्स आपसे सोच रहे हैं कि मम्मी आप बेड पे क्यों बना रही है, तो मम्मी बेड पे इसलिए बना रही क्योंकि मम्मी की एक दिन से काफी तबीयत खराब चल रही है, तो वहाँ मम्मी किचन में खड़ो के नहीं बना सकती, इसलिए मम्मी मजबूरी में बेड पे बनानी है खाना। यहाँ पर आराम से बैठ के फिर बन जाता पर मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। और फ्रेंड घर में सबकी सब बीमारी पड़ रहे हैं, पहले सबसे पहले बाबा बीमार पड़े थे, बाबा को बुखार हुआ था, खांसी हुई थी, फिर पापा को हुआ था, पापा को भी बुखार और जुकाम हुआ, मम्मी को भी तबीयत खराब है, मम्मी की पूरे बॉडी में पेन है। हाँ बहन भी तू तो आती नहीं वीडियो में, तो क्यों बोल रही है? बस मेरी तबीयत ठीक है, बाकी सबकी तबीयत खराब हुई थी एक एक करके। ऐसे मत बोल। नहीं मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं तो रोज आइसक्रीम खाता हूँ ना इसलिए। नमस्ते बुआ, खुश रहो। नमस्ते, छोड़ा ही बहन को तू? माता भी आ गई तू? क्या स्पाइडर प्लांट लगा लिया तूने भी? ये तो पता नहीं कहाँ से लाया था, शायद मैं इधर एक से दूसरा निकाल दिया था मैंने। ऐसे मैंने भी 5-6 गमलों में लगवाया है, इसमें भी काफी बड़ा आ रहा है ना ये। मेरे तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ये। अच्छा इससे मैं निकाल के इसमें। हाँ हाँ मैंने भी 5-6 गमले तैयार करा दिए। मेरा तो मनी प्लांट काफी बड़ा हो रहा है, मेरा खुद मेरे 5-6 गमले लग रहे हैं मनी प्लांट का। नमस्कार, तुम पहले तो भरी थी शरीर बहुत ज्यादा, पहले थैंक यू ज्यादा भारी लग रहा है? नहीं शरीर बहुत भिड़ा लग रहा है, शरीर लगा ज्यादा लग रहा है, शरीर ज्यादा लग रहा है। आशु आ गया ना, आशु को लंच करा के हम तो जल्दी जा रहे हैं, 2 बजे जा रहे हैं। नमस्ते भगवान जी, नमस्ते खुशहाल जी, मन की जल्दी आ गई हो, अचल जी को संजय जी संजय को भाई देखो क्या कह रहा है, आ जाओ क्या कह रहे हो भाई, लग रहा है शरीर को लड़ना ना ना पहले से जल्दी जी भाई। और पतला गाँव मेरा अलग ही पेट निकल रहा है, हमारा नाई
ऐसा कमाल होगा इन्हें तबियत रख मिला नहीं ममता तो रुक यही अच्छा जी ये सुन ले काफी ज्यादा दोपहर से लाइट नहीं आ रही बात कर रहे हैं यहाँ पे उजैपुर और चक्कर तीन महीनों बाद बंद हो जा गया ना जब चले जा रहे बस तीन महीने से बाहर रह गए भैया बस टीना है संबंधित कर भी जाए पहले ब्लैक में टिकट को मिलती ब्लैक थी संजय तो हमें ले जाता था चल लेन की लाइन छोटी है चलो लाइन में लग जाओ मुन्नी बुआ को हमें ले जाता था लाइन में लगा था टिकट के लिए तो हम आपके वो रिलीज कर दिया वो ब्लैक कर लिया प्लेयर से वो मिल गई मेल लगे मेरठ देते हैं पहले पिक्चर ऐसी हो गई उनसे माथा नाल को आ जा गई तो कंडक्टर को ना कोई पिक्चर लंबी लंबी टिकती थी सिनेमा में बेकार आंखों में आंसू आ जा रहे ऐसी फिल्म है पहले फ्रेंड्स अब यहाँ की मेन लाइन ही चलेगी ना तो भैया कह रहे हैं पूरी गली की लाइट कटेगी फिर यहाँ पे रिपेयरिंग होगी जितने भी खम्भे ना खम्भे से जो लाइट आ रही है यहाँ पे इसमें फक गए तो पूरी गली की लाइट जाएगी देखो मैं बोले नमस्ते बढ़िया नमस्ते बुआ हाय नमस्ते बुआ बड़ी दीजिए मुझे छोटे का शादी अगले साल इसकी चल पैर छूट के मेरे अरे आ जाओ सब आए हुए हैं इतना लेट आए हो यहाँ जाने का टाइम हो रहा है भाई आशु आशु की बहू आ गई कल शाम
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।